राजधानी जयपुर में मानव तस्करी विरोधी सेल और विद्याधर नगर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी महिला सकीना बानो को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुक्त कराए गए सभी बच्चे विद्याधर नगर के बापू कच्ची बस्ती में रहते थे और चूड़ी बनाने का काम करते थे। सभी बच्चों की उम्र करीब 10 से 15 साल के बीच है। सभी बच्चे बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला सकीना सभी बच्चों को पढ़ाई के नाम पर जयपुर लेकर आई और उन्हें चूड़ी बनाने के काम में लगा दिया। साथ ही आरोपी महिला बच्चों को एक टाइम भोजन देकर उनसे 12 से 14 घंटे काम करवाती थी। मानव तस्करी विरोधी सेल को इसकी जानकारी लगते ही विद्याधर नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर सभी बच्चों को मुक्त कराया गया।